हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में। मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर, दिस मीटर इज आल्सो नोन एज वेस्टर्न फ्रिक्वेंसी मीटर। इस मीटर को हम वेस्टर्न फ्रिक्वेंसी मीटर के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विद द चेंज इन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ये वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस या चेंज इन इम्पीडेंस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी को सर्किट में चेंज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल को देखते हैं, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन और फिर इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन मीटर, द एक्शन ऑफ दिस मीटर्स डिपेंड अपॉन वेरिएशन ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन टू पैरेलल सर्किट्स, वन इंडक्टिव एंड अनदर इज नॉन इंडक्टिव। इस मीटर का एक्शन वेरिएशन है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, जिसमें दोनों सर्किट पैरेलल में होते हैं, एक इंडक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन इंडक्टिव, जिसे हम रजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। तो इसके आगे देखते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन को। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल ए एंड बी माउंटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कॉइलें एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, ए एंड बी। द कॉइल ए हैज़ एन रजिस्टर आर ए इन सीरीज, जिसमें कॉइल ए में रेजिस्टेंस आर ए सीरीज में लगाता है, जबकि कॉइल बी में, वाइल कॉइल बी हैज़ एन इंडक्टेंस एल बी इन सीरीज, जबकि कॉइल बी में क्या लगाता है, इंडक्टेंस सीरीज में लगा रहता है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, सर्किट ए इज इन पैरेलल विद द इंडक्टेंस एल ए, वाइल वी इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। जबकि सर्किट ए के पैरेलल में इंडक्टेंस एल ए लगा रहता है और बी में पैरेलल में रेजिस्टेंस आर भी लगा रहता है। तो इसके डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो इस डायग्राम में हम यहाँ से देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कॉइल ए है, ये कॉइल बी है। इस कॉइल के ए सीरीज में आर ए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जबकि कॉइल बी के सीरीज में इंडक्टेंस एल भी लगा हुआ है। और इस कॉइल सर्किट ए के पैरेलल में इंडक्टेंस एल ए और बी के पैरेलल में रेजिस्टेंस आर बी लगा होता है। तो आगे हम इसके कंस्ट्रक्शन को और देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज पाइवोटेड ए लॉन्ग एंड थिन सॉफ्ट आयरन नीडल विच कैरीड द पॉइंटर। इसके बीच में क्या लगाता है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें, इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की नीडल लगी रहती है, जिससे एक पॉइंटर अटैच रहता है मिडल में। इसके बाद हम देखते हैं, नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क रिक्वायर नहीं होता है और डैम्पिंग डैम्पिंग बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एयर फ्रिक्शन। और डैम्पिंग किसके थ्रू प्रोवाइड होती है, एयर फ्रिक्शन के थ्रू प्रोवाइड होती है। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द सीरीज इंडक्टेंस एल हेल्प्स टू सप्रेस हायर हारमोनिक्स इन द करंट वेवफॉर्म एंड देयरफॉर टेंस टू मिनिमाइज द वेवफॉर्म एरर्स इन द इंडिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखते हैं, इसमें इसमें जो लगा हुआ है इंडक्टेंस एल, वो क्या काम करता है, इसका इंडक्टेंस का एल का काम होता है, जो सीरीज में लगा रहता है, जो सर्किट जो करंट वेवफॉर्म जो इसमें करंट पास होता है उसके वेवफॉर्म में जो हायर हार्मोनिक्स होते हैं उसको कम करता है, और जो कि वेवफॉर्म एरर को मिनिमाइज करके इंस्ट्रूमेंट की को सही इंडिकेशन देता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें और कंस्ट्रक्शन को आगे। कंस्ट्रक्शन में आगे चलते देखते हैं, द सर्किट करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू कॉइल्स ए एंड बी प्रोड्यूस अपोजिट टॉर्क। जो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो दोनों कॉइल सर्किट ए एंड बी में अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करता है। द सर्किट पैरामीटर आर ए एल ए
RB, LB are also so designed that this normal frequency of the supply, जो इसमें जो करंट सप्लाई पैरामीटर्स हैं वो डिज़ाइन नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पर डिज़ाइन किए जाते हैं. द करंट इन द टू कॉइल्स आर इक्वल एंड द पॉइंटर इज एट द सेंटर ऑफ द स्केल. और जिसमें दो कॉइल है जो इक्वल करंट फ्लो होता है और पॉइंटर स्केल के सेंटर में रहता है. जैसा कि हम इसमें डायग्राम में देख चुके हैं, इसके डायग्राम में सीधा शो हो रहा है कि कॉइल ए एंड बी के परपेंडिकुलर में एक नीडल होता है जो इसके बीच के सेंटर में रहता है. ठीक है, तो आगे हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं. इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है. वर्किंग के बारे में जानते हैं, तो व्हेन द मीटर इज कनेक्टेड टू द सप्लाई दोज फ्रिक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड. जब हम मीटर से सप्लाई फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करते हैं जिसकी हमें फ्रिक्वेंसी मेजर करनी है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल ए एंड बी सेट अप मैग्नेटिक फील्ड. तब कॉइल ए एंड बी में क्या होता है, में करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कॉइल में करंट जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. द मूविंग सिस्टम वॉन्ट टर्न्स टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू कॉइल्स. और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट फील्ड का जो मैग्नेट होता है इसमें जो फ्लो हो रहा है वो करंट पर डिपेंड करता है. इसके साथ में जो रिजल्टेंट जो मैग्नेट्यूड होता है वो दोनों कॉइल का जो रिजल्टेंट मूव करता है वो हायर मैग्नीट्यूड की तरफ मूव करता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है, पॉइंटर उसकी तरफ मुड़ जाता है. इसमें दो कंडीशन बनती है कि एक तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो और एक सप्लाई फ्रिक्वेंसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से कम हो. तो पहले हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं. इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी आर इंक्रीजेज अबव द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तब क्या होता है, दिस करंट थ्रो कॉइल ए इंक्रीजेस वेयर एज दैट थ्रो कॉइल बी इज डिक्रीजेस. तो करंट ए में क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है कॉइल ए में, और बी में क्या होता है, करंट डिक्रीज होता है. दस द कॉइल ए एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द मूविंग सिस्टम सो दैट द पॉइंटर इज टर्न ऑन मोर नियरली पैरेलल टू द पैरेलल विद द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ कॉइल. इसमें क्या होता है कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने के कारण जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है जो कॉइल ए में मोर फ्लक्स के कारण, इसमें मोर फ्लक्स के कारण जो मोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण वो पॉइंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके थ्रू वो फ्रिक्वेंसी को शो करेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में कि कॉइल ए की तरफ ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण ये इधर अपने आप को इधर इधर मूव करेगा जिससे क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी को शो करेगा. जबकि अगर दूसरी साइड हम देखें तो कि अगर नॉर्मल बिलो द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से कम होगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये लो फ्रिक्वेंसी को शो करेगा. तो इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज बिलो द नॉर्मल वैल्यू द करंट थ्रो द कॉइल इज डिक्रीजेस वेयर इज दैट द थ्रो कॉइल बी इज इंक्रीजेस. इसमें क्या होता है कि करंट जब नॉर्मल जो नॉर्मल सप्लाई जो फ्रिक्वेंसी है वो नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तो ए में क्या करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है और बी में इंक्रीज होता है. तो एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा. इसके कारण टच द कॉइल एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द मूविंग सिस्टम सो दैट द पॉइंटर इज पुल टुवर्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ कॉइल बी. जिसके कारण क्या करेगा, ये भी बताया था कि ये पॉइंटर है बी को फोर्स अट्रैक्ट करेगा और बी को अट्रैक्ट करने के कारण इस तरफ अट्रैक्ट करने के कारण ये लो फ्रिक्वेंसी को शो करेगा. तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा. इसकी रेंज की बात करते हैं तो दिस इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड आल्सो मेजरिंग द स्मॉल वेरी स्मॉल अमाउंट. ये दोनों फ्रिक्वेंसी में काम आता है,
हाई फ्रिक्वेंसी में भी और लो फ्रिक्वेंसी दोनों को मेजर करता है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।